ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बरेली के बहेड़ी में नैनीताल रोड मेन बाजार गुरुद्वारे के सामने गन्ना समिति और गन्ना विकास परिषद के पुराने कार्यालय और उसके आसपास की जगह को ध्वस्त कर निर्माण कराया जा रहा है। लीज पर जमीन देने वालों के परिजनों ने इस निर्माण के संबंध में डीएम और पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर शिकायत की है और इस निर्माण को जल्द से जल्द रोक जाने की मांग की है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस पर शिकायत की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहेड़ी में चुनावी सभा के दौरान जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं को जहन्नुम पहुंचाने की चेतावनी दी थी, मगर यहां तो धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। बहेड़ी नगर में आए दिन अवैध कब्जे हो रहे हैं। रेलवे लाइन किनारे पुरानी गन्ना सोसाइटी और गन्ना विकास परिषद के दफ्तर रहे हैं। यहां पर क्वार्टर और धार्मिक स्थल हैं। पीपल और सेमल के पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है। नगर पालिका के शाहगढ़ स्थित तालाब पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानें बनाने की कामयाबी मिलने के बाद अब केसर मिल के मालिक को लीज पर दी गई है। जगह को खुर्द-बुर्द कर निर्माण कराना शुरू कर दिया गया है। इस जगह गन्ना समिति और गन्ना विकास परिषद के कार्यालय थे, जो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इस जमीन को खुर्द-बुर्द किए जाने पर मोहल्ला टांडा के मोहम्मद उमर ने डीएम को उक्त शिकायत करते हुए कहा कि भूमि को उनके पूर्वजों के मुंशी बन्ने खां पुत्र हिमायतुल्ला ने केसर को 100 साल की लीज पर दी थी, जिसका 7 साल का समय बाकी रह गया है। लीज की अवधि समाप्त होने से पहले ही केसर मिल पर कुछ लोगों को बेच देने का आरोप लगाया गया है। वहीं आरोप है कि नगर पालिका से बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द रुकवाने की मांग की है। हमारी जमीन है, पुरखों की जमीन है हमारी, और हमारे पुरखों ने खांडके को 1932 में दी थी। ये 100 साल के लिए लीज पे दी थी, और ये केसर मिल उनने कैसे ली उससे खांडके से ये पता नहीं। और ये केसर मिल जबरदस्ती मतलब भूमाफियों से मिलके और उस पर निर्माण करा रहा है। वहाँ दुकानें बन रही, मार्केट का रूप दिया जा रहा है, और उस लीज हमारी लीज पर उसमें सिर्फ मशीनों की निर्माण की बात हुई थी, लेकिन इस पे दुकानों का रूप दिया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और इस पे हमने हर जगह शिकायत की, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और योगी जी से निवेदन है कि इस पे कड़क बिल्कुल एकदम उस पे निर्णय लें और इस पे कार्रवाई करें। और ये हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की, ये हमें मिलना चाहिए। लीज पे दी गई थी 100 साल के लिए खांडके को। खांडके के फिर शुगर फैक्ट्री के अंदर में आई है, कैसे आई, किस तरीके से ली, इन्हें कोई पता नहीं दिया। कहाँ पर है वो जमीन, लोकेशन क्या है? जमीन है पुरानी सोसाइटी राजा टाकिज के सामने, और गाटा संख्या है 627 आ और बा और 703 बा। इसमें निर्माण चल रहा है, इसको रोका जाए। हम सारे अधिकारियों के पास होके भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके खिलाफ। कितनी जमीन है आपकी टोटल वहाँ पे? तो करीब हमारी जो लीज पे जो दी हुई है वो 28-29 बीघा जमीन है हमारी, पश्चिम साइड में भी और पूरा साइड में भी। ठीक, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, और सारे अधिकारियों के पास हम शिकायत करके आए, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, योगी जी से और मोदी जी से, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? निर्माण करने वाले भूमि माफिया है। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।